शुभ कार्यों में लड़के के भाई और ही क्यों रहती है लड़की, जाने क्या है वजह। हम सभी लोग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने हिंदू धर्म की शादी ना देखी होगी। हिंदू शास्त्र के अनुसार शादी की रस्मों से लेकर शुभ कार्यों में लड़की लड़के के भाई और ही रहती हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका जवाब आज हम आपको देते हैं। कहा जाता है स्त्री को प्रेम और ममता का प्रतीक माना जाता है और उनमें रचनात्मकता बचपन से ही होती है, इसलिए पत्नी का भाई और होना शुभ माना जाता है और उनके इस ओर रहने से कामों में शुभता आ जाती है। वहीं यह कहा जाता है कि पुराणों के मुताबिक स्त्रियों का बायां हिस्सा शुभ होता है क्योंकि उसमें देवी माँ का वास होता है। शरीर और ज्योतिष दोनों में विज्ञान में पुरुष के दाएं और स्त्री के बाएं भाग को शुभ और पवित्र माना गया है। सभी ने देखा ही होगा कि हस्तशास्त्र में भी लड़के के दाएं और लड़की का बायां हाथ देखा जाता है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि शरीर में मस्तिष्क का बायां हिस्सा उसकी रचनात्मकता तथा दायां भाग कर्म का प्रतीक होता है। अगर पुराणों की माने तो महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं और क्रियाशील मानी जाती हैं। इस वजह से उनका बायां अंग अहम होता है। वहीं बात करें लड़के दिमाग से काम करते हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म के मुताबिक पत्नी को वामांगी माना जाता है और इस कारण से शादी से लेकर अन्य शुभ कार्यों में पत्नी पति के भाई तरह ही रहती हैं।